टांडा बरौड़ थाना क्षेत्र में चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि थाना क्षेत्र के मकानों को निशाना बना रहे हैं। चोर खेतों में लगे केबल वायर मोटरों को लगातार निशाना बनाकर चोरी कर रहे हैं। वहीं चोर रैकी करने के बाद चोरी की वारदात को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी का सूचना तंत्र चोरों का पता लगाने और चोरियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं किसानों ने थाना प्रभारी रितेश यादव की कार्यशैली एवं व्यवहार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। किसान विजय यादव द्वारा बताया गया कि गत रात्रि मेरे खेत में से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा विद्युत मोटर केबल वायर एवं पानी चलाने के पाइप की चोरी हो गई। जब बरौड़ थाने पर किसान चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो थाना प्रभारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई एवं आवेदन लिखवा कर फरियादी को थाने से भगा दिया और फरियादी के दिए आवेदन पर थाने बरौड़ से कोई प्राप्ति भी नहीं दी गई। फरियादी किसान द्वारा आप बीती मीडिया के समक्ष बताई गई। बरौड़ से जयंत गुप्ता के साथ रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। विजय यादव नाम है, मैं बीजापुर में रहता हूँ। क्या क्या चोरी हुई आपकी? मेरी मोटर चोरी हो गई, लुबी की 5 की और स्टार्टर केबल सब चोरी हो गया और पाइपलाइन भी फोड़ के चले गए। थाने में गए थे आप? थाने में गया था मैं, टीआई साहब के पास गया था। टीआई साहब को बोला मेरी मोटर चोरी हो गई। टीआई साहब ने मेरे को ऐसा बोला, अभी पानी गिर रहा, मोटर की क्या जरूरत है। मैंने टीआई साहब को बोला कि मैं वेजिटेबल का काम करता हूँ, तो बोले वेजिटेबल का काम करते हो तो बोले ये हमारी जवाबदारी थोड़ी ना, ये आपकी जवाबदारी है, ऐसा बोला मैं तो। और मैं गया था उनके पास तो बोले मोटर क्यों डाली अभी, मैंने कहा वेजिटेबल का काम है, तो बोले तो वेजिटेबल का हमें पानी क्या लगता है, मैंने कहा लगता है, बोले खाद कैसे, मैंने कहा कुएं से छोड़ते, तो टीआई साहब बोले खाद क्या कुएं में डालते हो क्या, बोले हमारी इतने हमारे पास पुलिस फोर्स थोड़ी है कि हम आपके एक एक खेत में जाके देखेंगे। और उन्होंने मेरे साथ सही ढंग से बात भी नहीं करी। FIR लिखी आपकी? क्या FIR? मुझे आवेदन लिखवाया, मैंने बोला आवेदन की प्राप्ति दे दो, तो प्राप्ति भी नहीं थी मेरे को, फोटो भी नहीं कुछ नहीं थी, कुछ नहीं करे, उस पर सील वील कुछ नहीं लगे उन्होंने, उन्होंने बस वो आवेदन लिख लिया है और उन्होंने रख लिया है। क्या चाहते हो? बस हम यही मांग चाहते हैं कि हमारा कुछ ये हो, न्याय वाय मिले। और क्या चोरी, अब हमारे पास 5 बार चोरी हो गई, एक बार हम लिखी मतलब बोल बता भी आया तो उनको, मतलब ये 5वीं बार चोरी हुई हमारे यहाँ, अभी तक कुछ उसका समाधान नहीं हुआ है। और TI साहब का थोड़ा व्यवहार भी ठीक नहीं लगा मैं। क्या नाम है आपका? विजय यादव नाम है मेरा, बीजापुर का। आपके ग्राम में क्या चोरी की घटनाएं घटित हो रही है और कब से चोरी की घटनाएं लगातार जारी है, इस संबंध में आपको कोई ने कोई वरिष्ठ अधिकारी का अवगत कराया या कोई वरिष्ठ अधिकारी या पुलिस प्रशासन कोई आपके गांव में गश्त पे आए हैं, क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखिए गश्त पे तो कोई आता नहीं है और ना पुलिस प्रशासन को इतनी कुछ पड़ी है कि वो गश्त करे और लोगों के यहाँ जो चोरियाँ हो रही उनको रोके। अभी हमारे यहाँ केबल की चोरियाँ तो बहुत सारी हो गई अभी गर्मी के टाइम में, और जैसे खेत में केबल वायर है, स्टार्टर मोटर, इनके केबल सारे बहुत महंगे आते हैं, वो सब चोरियाँ हुई ना, तो उसके चोर अभी तक पकड़ाए हैं। और अभी गांव में बकरियों के बता रहे थे आपको कि बकरियों की चोरी 2 बार हो गई है, और एक बकरा तो थाने में ही मिला, ऐसी गाँव में चर्चा है। लेकिन अभी जो पुलिस प्रशासन क्या है कि शायद आदमी नौकरी इसीलिए करता है कि सैलरी मिल जाए, थोड़ी सी कमाई हो जाए, उसको चोर पकड़ने से और जनता की सेवा करने से तो शायद कोई मतलब रहता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि पुलिस प्रशासन ध्यान दे और चोरियों को रोके, रात में थोड़ा सा ध्यान दे तो ताकि हम चैन की नींद सो सकें। क्या नाम है आपका? दशरथ राठौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।